मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देखी है इसमें वो मंत्री था वो क्या कहता है दुकानें जलती है जलने दो ये आग हमने लगाई है लोग मरते हैं तो मरने दो ये मेरी खुदा ही खुदाई है तो सेम प्रोसेस योगी जी का काम है सुप्रीम कोर्ट अपना एक टीम अलाट करे सुप्रीम कोर्ट अपना फोर्स अलाट करे और सुप्रीम कोर्ट को ही जवाब देना पड़े मैं दावे से गर्द करता हूँ मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तीफा हो जाएगा और कई मंत्री कई विधायक और कई कार्यकर्ता जेल जाएंगे सरकार असल में सरकार में बैठे लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं उन गुंडों ऐसा ऐसे पिक्चर देखी कि नहीं पिक्चर देखी पिक्चर देखती थी ना पहले कि नेता लोग गुंडे ही पाला करते चुनाव टाइम पे बूथ कैप्चरिंग दंगा कराना एक आनी आनी मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देखी है उसमें वो मंत्री था वो क्या कह कहता है दुकाने जलती है जलने दो ये आग हमने लगाई है लोग मरते हैं तो मरने दो ये मेरी ही खुदाई है तो सेम प्रोसेस योगी जी का काम है ये आग उन्हीं ने लगाई है और नहीं लगाई है तो बुझा क्यों नहीं पा रहे हैं सत्ता आपके हाथ में पुलिस आपके हाथ में सरकार आपकी चल रही है अब आप ऐसे बन के बैठ जाओगे तब तो, तो हम कहेंगे कि आप ही ने कराया है अब लास्ट में मैं एक सवाल पूछता हूं सभी हिंदू भाइयों से एक सवाल मुझे का जवाब दो मैं हिंदू आप हिंदू तिवारी जी ठीक अमित शाह का बेटा क्या है उसे राम की चिंता नहीं है उसे धर्म की चिंता नहीं है राजनाथ सिंह के बेटे के धर्म की चिंता नहीं जितने भाजपा और संघी के नेता के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं क्या वो धर्म बचाने के लिए बाहर ही निकल सकते वो कहाँ रहे हैं विदेशों में तो जब ये सब विदेश और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हिंदू भाजपा में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब तो बाहर रह रहे हैं क्या उनको हिंदुत्व तो की खर्च चिंता नहीं है तो मरने के लिए कटने के लिए गरीबी दिहाड़ी मजदूर पटरी वाला और रेड़िए वाला जाएगा क्या क्योंकि सत्ता तो इनके हाथ में बड़े बड़े अगर ये चाहे तो हिंदू बचा सकते हैं ये तो हम से कई हिंदू बता सकते हैं तो ये लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं तुम तो मेरे हिंदू भाइयों हो मत बनोगे जो गया है उसको वापस नहीं ला सकते तुम चाहे चाहे लाख लाख कुछ कुछ कर लो। कुछ कर लो लो लोगों को वापस नहीं ला सकते मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता मत लगाओ आग अपनी शांति व्यवस्था बर्बाद मत करो याद करो कोरोना का टाइम आपके गांव में भी आप लोग सबने एक दूसरे की मदद की थी इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करो मैं शांति की अपील करता हूँ जनता से कि आप शांत रहिए अब पुलिस से मांग करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगा के सबसे पहले दंगा रोकी ये आप बताइए अस्पताल जला दिया गया स्कूल जला दिया गया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं भाई अस्पताल क्या हिंदू मुसलमान का था अब वो अस्पताल जल गया कल को मान लो कोई आफत हो गई तो कौन कहाँ जाओगे तुम लोग शौचालय में कहाँ इलाज कराने जाओगे भाई कौन और मैं बता दूँ सिस्टर बाहरी भी लोग हो सकते हैं अब मैं सही अगर मैं बता दूँ सही तरह से जाँच अगर सुप्रीम कोर्ट देखें इसमें एक प्रोसेस होगा विपक्ष जाए सुप्रीम कोर्ट समाजवादी जाए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ कह हैं कि हमें जाँच करवानी है न्यायिक जाँच सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपना एक टीम अलाट करे सुप्रीम कोर्ट अपना फोर्स अलाट करे और सुप्रीम कोर्ट को ही जवाब देना पड़े मैं दावे जिक्र करता हूँ उस मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तीफा हो जाएगा और कई मंत्री कई विधायक और कई कार्यकर्ता जेल जाएंगे पाल घर में भी बस लास्ट में सुनिएगा ये घटना मैं क्यों ऐसा मांग रहा हूँ पालघर की घटना पालघर साधु वाली घटना याद है पालघर पाल के संघियों के व्हाट्सअप पे एक मैसेज जारी किया जाता है कि कुछ लोग साधु के वेश में साधु के वेश में आकर मुस्लिम लोग बच्चों को चुरा रहे हैं मारने वाला वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का जिसने पहला हाथ छोड़ा भीड़ जो थी वो हिंदू थी ठीक जिन्होंने पीटा उनको तो साधु को कौन मारा भाई संघियों ने मारा तो मैं आपको बता दूँ जो संघी हैं संघी संघी जानती संघी कौन संघी दलाल समझ ये नाम और गंगे नाले कीड़े जो जिन्ना के जिन्ना को अपना दमाद बना लिए देखो और इन्होंने सरकारी बनाई थी यही लोग पूरे अच्छा इनको फैलाने का काम किया है कांग्रेस ने कांग्रेस चाहती थी अच्छा ही बता, ये बताइए कांग्रेस चाहती तो संघियों को मैं ख़त्म नहीं कर सकती थी हुँ. दो हजार दो के दंगे के बाद ही दो जो आज हमारे देश के लिए नासूर हैं दरंगा बिल्ला ये तो दो हजार दो दंगे के बाद ही खत्म हो जाते रंगा बिल्ला ये रंगा बिल्ला जिंदगा बच गए तो कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इनको आगे बढ़ने दिया तो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अगर आज हम जो सह रहे हैं अगर भाजपा जिम्मेदार है तो उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस ने इनको पूरा मौका दिया तो देखिए कौन कितना जिम्मेदार है ये तो वक्त ही बताएगा जांच बताएगी लेकिन इस वक्त में जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी करता हुआ सत्ता पक्ष काम नहीं है जी। हमारे तीन सवाल है लास्ट में मैं बोल के जा रहा हूँ तीन सवाल आपने तीन सवाल भीड़ से कैसे कोई आदमी कोई लिया सकता है पहला ये दूसरी बात यह कि पुलिस कितने देर बाद वहां घटना में पहुंची दूसरा और तीसरा क्या राज्य की पुलिस चूली पहन के बैठ चुकी है एक जिला कंट्रोल नहीं हो पा रहा दूसरे जिले में आग लग जा रही है तो ये तीन सवाल जो हैं वो सबसे अहम है क्या वाकई सत्ता पक्ष के पास इसका जवाब है या फिर नहीं फिलहाल तब तक के लिए आप बने जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था